कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साबिक सदर सिराज कासिम तेली इंतकाल कर गए। साबिक सदर के CCI मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करते रहे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साबिक सदर सिराज कासिम तेली इंतकाल कर गए। बिजनेसमैन ग्रुप के भी चेयरमैन रहे हैं और इनकलाबी इकदाम उठाए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी पाकिस्तान बेवरेजेस लिमिटेड के भी चेयरमैन रहे हैं। सिराज कासिम तेली इंतकाल कर गए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साबिक सदर सिराज कासिम तेली दुबई में इंतकाल कर गए हैं। मारूफ बिजनेसमैन हैं, इनकी फैमिली का बड़ा किरदार है पाकिस्तान की मईशत में और उसको संभाला देने में, उसको आगे बढ़ाने में। दिहाइयों से इनकी फैमिली बिजनेस में है और बड़े ओहदों पर भी रहे हैं बिजनेस से मुतालिक, और अपना किरदार अदा किया। बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन भी थे, रहे हैं बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन, और बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन रहते हुए इनकलाबी इकदाम उन्होंने उठाए हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुतालिक भी उन्होंने बहुत से ऐसे इकदाम किए जिसमें बिजनेस कम्यूनिटी को फ़ायदा हुआ, सहूलतें उन्हें मैसर आईं और उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया इस मुल्क की इकानमी में। पाकिस्तान बेवरेजेस लिमिटेड के भी चेयरमैन रहे हैं सिराज कासिम तेली। चंद दिन से दुबई के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और बताया ये जा रहा है इब्तदाई तौर पर कि नमूनिया उन्हें हुआ था और उसका इलाज जारी था जहाँ पर ना हो सके। अली इमरान सैयद ने ज्वाइन किया। अली इमरान सैयद, आप बताइए, आपके पास इत्तलात इंतकाल से मुतालिक क्या है? जी बिल्कुल, इनकी करीबी जो हलके हैं और कराची चैम्बर के भी जो सीनियर रहनुमा हैं वो इस अफसोसनाक डेथ की कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसा हुआ है। बहुत अफसुर्दगी का आलम है कराची में, क्योंकि एक बहुत बड़ी वॉइस थे कराची चैम्बर के लेवल पे। भले से अमन अमान के मसाइल हों 2013 तक, या भत्ते से लेके मुख्तलिफ मामलात हों, ट्रैफिक के हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, तो उनकी एक वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती थी, इस्लामाबाद में बहुत अहमियत दी जाती थी। और ये कि जो कारोबारी हलके थे उसमें इनको बहुत इज्जत और आखिरी उम्मीद समझा जाता था मसाइल के हल के हवाले से। मुख्तलिफ मसाइल, भले से वो FBR से रिलेटेड हों या हुकूमत से रिलेटेड हों, सिक्योरिटी के मामलात हों, तो ये उनकी सडन डेथ हुई है और इस वक्त शॉक का आलम है कराची की बिजनेस कम्यूनिटी में। और ये कि जो उनके करीबी साथी और पुराने दोस्त हैं वो इस वक्त बिल्कुल एक शॉक की कैफियत में हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया अली इमरान सैयद, आपने भी डिटेल्स दी। इस वक्त प्रेसिडेंट KCCI शारिक वोरा साहब हमारे साथ हैं। शारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इंतकाल की खबर यकीनन, जैसे अली इमरान सैयद भी कहते हैं, बड़ी अफसोसनाक खबर है और बड़ा खला एक पैदा हो गया है कराची में बिजनेस को लेकर भी और दीगर मसाइल की आवाज़ जैसे वो उठाते थे उसको लेकर।